हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले देखिए कल की डेट में हमने यहाँ पर संसा बताया आज लगभग चार पांच परसेंट ऊपर था हाँ कार बट थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है छह महीने का एटलीस्ट वेट करिए यहाँ पर शेयर एक अलग ही पहचान बनाता हुआ दिखाई देगा तो इसलिए पेशेंस वेट करिए स्टेप में तो और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो यहाँ पर हमने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से रिलेटेड यहाँ पर बातें करी थी वो भी आज यहाँ पर पांच परसेंट भागता हुआ दिखाई दिया था तो इस तरीके से हम एक फंडामेंटली शेयर्स आ, ऐसे लेवल पर यहाँ पर बाइंग करने की कोशिश करते हैं कि जहाँ से स्टॉक को भागना ही होता है बट स्टिल कभी कभी गिरावट हो जाती है तो वहां पर हमें बाय ऑन डिप्स करना पड़ता है अदरवाइज थोड़ा वेट करते हैं तो उसमें भी हमें अच्छा खासा गेन मिलता हुआ दिखाई देता है तो देखिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आपने यहाँ पर देखा आपने यहाँ पर, देखा, आपने पर देखा इस तरीके से यहाँ पर आईजीएल वगैरह से रिलेटेड बातें करी है तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ एक और पर्टिकुलर स्टॉक जो कि यहाँ पर से आपको एक अच्छा खासा मूव देता हुआ नजर आएगा और अच्छे खासे आपको रिटर्न देता हुआ नजर आएगा आ, इसी लेवल पर ऐसे ही एक नीचे की लेवल पर वो शेयर पड़ा हुआ है तो मुझे लगता है कि यहां से एक अच्छा खासा उसमें आ, जंप आती हुई दिखाई देगी बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े उस पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड बातें करें आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जो आपका चैनल है इन्वेस्ट फॉर एवर इसे सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन है अपने फाइन शेयर वाइज खुद की स्टडी करनी है इस वीडियो को लाइक कर दिए दूसरी वीडियो को जाके देखिए और उसे भी लाइक करिए कमेंट करिए कोई क्वेरी है तो आइए वीडियो

और यहां पर देखे तो शेयर एक मल्टी बैगर यहाँ पर प्रूव हुआ है और यहां पर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखे तो यहाँ पर देखे दो से लेकर दो तक ओके लगभग चार साल इस शेयर ने कुछ भी यहाँ पर कमाल नहीं करके दिखाया बट एक साल में इतने रिटर्न दे दिए जिसने मल्टी बैगन रिटर्न कहते हैं और स्प्लिट होने के बाद फिर दोबारा पैसा डबल कर दिया समझ रहे हो स्प्लिट होने के बाद मोस्टली शेयर यहाँ पर घूमते ही नहीं है यहाँ पर मूव भी नहीं करते ऐसी रह, रहते हैं जैसे कि हम बात करें ग्लोबल की बट यहाँ पर इस शेयर ने स्प्लिट हुआ था या बोनस हुआ था आई एम सॉरी अबाउट दैट मुझे याद नहीं है बट जैसे यहाँ पर हुआ उसके बाद फिर आपके पैसे डबल करते हुए दिखाई दिया तो ऐसे शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रखा जाता है और तब जब यहाँ पर अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड तो किसकी कंपनी फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड कंपनी काम करती है ब्रॉड एंड इंटीग्रेटिव पोर्टफोलियो ऑफ एपीआई में कंपनी काम करती हुई कर नजर आती है इंक्लूडिंग इंटरमीडिएट्स जेनरिक फिनिश डोसेज एंड कॉन्ट्रेक्ट रिसर्च सर्विसेज टू कैथर द नीड्स ऑफ द ग्लोबल फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज तो यहाँ पर अगर हम बात करें कंपनी की अच्छा खासा बिजनेस यहाँ पर करती हुई नजर आती है एपीआई में कंपनी काम करती हुई नजर आती है इट्स कस्टमर्स इंक्लूड माइलन नेटको एंड और फार्मा यहाँ पर इसके क्लाइंट्स uh, है uh, क्या कस्टमर कैसे सकते हैं कंपनी हैज ग्रो ग्रोन फ्रॉम वन प्रोडक्ट कंपनी इन टू टू सिक्सटी प्लस कॉमर्शियल प्रोडक्ट इन ट्वेंटी द कंपनी हैज वन पेटेंट्स तो यहाँ पर एंट्री एंट्री इन टू फॉर्मुलेशन दिन एक्सपेंडिशन बिजनेस ट्वेंटी इट कंट्रीब्यूटीज टू परसेंट इन फाइव शेयर नाइनटी मतलब दो परसेंट से यहाँ पर उनतीस परसेंट होना तो ये बताती है कंपनी क्या है यहाँ पर जाके आप देखेंगे इनके बिजनेस यूनिट से रिलेटेड बात करेंगे यहाँ एफ, एफ, पर बात करके है, जाना है इनकी फैसिलिटीज है यहाँ पर लॉरस लैब द गुड स्टार्टियर ट्वेंटी ट्वेंटी यहाँ पर इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें जो कि आप यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर इनसे रिलेटेड यहाँ पर पढ़ सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर और भी सारी बहुत सारी चीजें इस कंपनी से रिलेटेड ये बिजनेस क्या करती है किस प्रोडक्ट में डील करती है वो सब चीज आपको यहाँ पर मिल जाएगी तो एक बार इनकी वेबसाइट को पर डेफिनेटली विजिट कर लीजिएगा तो आपको एक बिजनेस मॉडल का आइडिया जाएगा अब बात करते हैं फाइनेंशियल की लार्ज कैप कंपनी बत्तीस करोड़ का मार्केट कैप पी थर्टी का पी आर ओ सी आर ओई काफी बेहतरीन थर्टी नाइन फोर्टी फाइव परसेंट का, का डेट की बात करें फिफ्टी सेवन परसेंट का डेट नो प्लेजिंग एज वेल एज दो का फेस वैल्यू है तो यहाँ पर स्पलिटी हुआ था वो शेयर इसके अलावा

तो 214 करोड़ की सेल्स okay, ओके 10 साल के अंदर अंदर यहाँ पर 5000 करोड़ की सेल्स में तब्दील हो गई है पिछले 12 महीने की सेल यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए चौबालीस करोड़ का यहाँ पर 1608 करोड़ में चेंज हो गया है और नेट प्रॉफिट 12 करोड़ का 1019 करोड़ में तो ये चीज क्या दिखा रही है ये चीज दिखा रही है ग्रोथ और कंपनी किस तरीके से यहाँ पर ग्रोथ करती हुई नजर आ रही है यहाँ पर रिजर्व की बात करें रिजर्व यहाँ पर देखिए छब्बीस करोड़ के रिजर्व बॉरिंग यहां पर है चौदह करोड़ रुपए की बट यहाँ पर कोई बड़ी वाली बात नहीं है इतने सारे

तो 33 परसेंट की होल्डिंग थी ओके फिर उन्होंने यहाँ पर थोड़ी सी हिस्सेदारी कम करी फिर और कम करी तो लगभग सत्ताईस पॉइंट तीन परसेंट की हिस्सेदारी यहाँ पर प्रमोटर्स के पास है इसके अलावा एफ ने यहाँ पर देखिए नौ परसेंट से आठ परसेंट बारह फिर दस फिर ग्यारह सोलह बीस उन्नीस और अभी देखिए इक्कीस परसेंट के साढ़े इक्कीस परसेंट की होल्डिंग यहाँ पर है तो एफ आईज यहाँ पर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं डीआईस की बात करें उन्होंने होल्डिंग यहाँ पर कम करी फिर उसके बाद अभी बात करें तो लास्ट क्वार्टर में यहाँ पर इन्होंने हिस्सेदारी खरीदी है थोड़ी सी पब्लिक की बात करें पब्लिक से देखिए पब्लिक ने यहाँ पर हिस्सेदारी अच्छी खासी यहाँ पर बढ़ी बट यहाँ पर बात करें जब शेयर भाग रहा था यहाँ पर पब्लिक के पास भी अच्छी खासी थी फिर उसके बाद धीरे धीरे दी यहाँ पर कम होती दिखाई दी और अभी अभी बात करें तो कब पब्लिक के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग सेवन परसेंट की होल्डिंग है लास्ट क्वार्टर में थोड़ी सी हिस्सेदारी एक परसेंट के लगभग कम होती हुई दिखाई दे रही है और इन दो बड़े शख्स ने पर और की हिस्सेदारी यहाँ पर ले रखी है तो यहाँ पर लगभग फोर्टी की हिस्सेदारी आप समझ सकते हैं कि पब्लिक के पास तो इसमें सभी तरीके के लोग यहाँ पर शामिल होंगे अब बात करते हैं इसके चार्ट पैटर्न की तो यहाँ पर एक बार इसके चार्ट पैटर्न से रिलेटेड हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो हम यहाँ पर लॉरस लैब से रिलेटेड यहाँ पर बात करेंगे तो लॉरिस्ब की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर ये जो शेयर है काफी बेहतरीन शेयर है इस तरीके से यहाँ पर इसने अच्छी खासी रैली दिखाई है तो सबसे सब पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ फिफ्टी डीएमए की ये कभी भी फिफ्टी डीएमए के नीचे नहीं आया और जब भी यहाँ पर फिफ्टी डीएमए के नीचे आया है तो थोड़ा बहुत टाइम बाद यहाँ पर इसने एक अच्छी खासी जंप लगाई और एक अच्छी खासी रैली यहाँ पर लगाती हुई दिखाई दी है तो थोड़ा सा यहाँ पर देखिए इस शेयर में थोड़ी सी यहाँ पर गिरावट आई है और एक बेहतरीन सपोर्ट पर अगर मैं बात करूं एक बेहतरीन सपोर्ट पर यहाँ पर ये शेयर खड़ा हुआ है यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा नीचे आएंगे और जानेंगे शेयर से रिलेटेड एक मिनट तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो एक बेहतरीन सपोर्ट पे खड़ा हुआ है तो देखिए यहां पर आज जो सपोर्ट लिया था वो यही सपोर्ट था जो इसने पहले भी सपोर्ट लिया था अभी भी बात करें तो इन सपोर्ट के आसपास ये खड़ा है और यहाँ पर काफी टाइम से लगभग दो महीने से शेयर यहाँ पर मूव तो किया है बट यहाँ पर ऊपर नीचे होता हुआ दिखाई दे रहा है तो इस शेयर की तरफ नजरें के रखिए अच्छे खास सपोर्ट लेवल पर आ गया मुझे नहीं लगता है यहाँ से गिरेगा क्यों क्योंकि यहाँ पर आर की बात करें तो थर्टी और थर्टी वन की आर पे और हाईएस्ट लेवल जब रिजल्ट कंपनी यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है और सब कुछ यहाँ पर अच्छा खास हो रहा है तो यहाँ पर अच्छा खासा भागने के बाद शेयर थोड़ा सा पर नीचे आ गया है। अगर हम बात करें, तो काफी अच्छा है अच्छे शेयर तो यहाँ पर आ, मौका नहीं चुकना चाहिए यहाँ पर इंस्टॉलमेंट में या फिर कहते हैं ना एस आई पी मोड पर पैसा यहाँ पर लगाते रहना चाहिए और यहाँ पर में अच्छा खासा पैसा बनता हुआ और सपोर्ट भी हमें साफ नजर आ रहा है हिस्ट्री हमें बता रही है इसके फाइनेंशियल्स हमारे सपोर्ट कर रहे हैं एफ ने यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ाई है और यहाँ पर अच्छे खासे इसके फाइनेंशियल्स है हाईएस्ट इसके रिजल्ट आ रहे हैं तो ये सारी चीजें यहाँ पर अच्छा खासा ये कंपनी अभी दोबारा परफॉर्म करके दिखाएगी और यहाँ पर और ज्यादा अच्छी जब भी ये नीचे आता है अच्छी खासी रैली बनाता हुआ दिखाई देता है तो यहाँ पर अगर देखे पोल उसके बाद यहाँ पर एक फ्लैग टाइप में बनाता हुआ दिखाई दे रहा फिर दोबारा एक अच्छी खासी रैली मुझे नजर आ रही है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर ट्रेड लीजिएगा मैं पर अपने हिसाब से ट्रेड यहाँ पर ऑलरेडी ले चुका हूँ और मैंने काफी यहाँ पर बाय टिप्स कर करके यहाँ पर शेयर खरीदा है तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की हेल्प ले और दूसरी वीडियोस को जाके यहाँ पर देखें इस वीडियो को लाइक करें दूसरी वीडियोस को लाइक सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस